कुछ तो जादू किया था तुमने। तुम कहां से आई हो? तुम्हारा फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, हवा से बातें करती हुई जुल्फें, जब तुम मेरे पास से होकर गुजरती हो तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं मरने निकला था, वहीं से मेरे अंदर जीने की चाहत आई। तुम्हारे दिल के पोस्ट ऑफिस में मैंने कई बार अपने प्यार का एप्लीकेशन डाला, लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हारी खूबसूरत जान छीन ली। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं फूल अर्पित करूंगा। इस बार गलती की अगले जन्म में मत करना। मैं तब भी तुम्हारा होना चाहूंगा। मुझे तुम्हारे साथ ही जीना मरना है। बहुत जल्दी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बारी भी आएगी, तब बिना शोर किए मौत की जर्नी कंटिन्यू होगी। कौन हो तुम? कैसे अंदर आ गए? यहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही है? किसने भेजा तुम्हें? सुनिए सुनिए सुनिए, कुल मुझे देखकर डर रही हो? मैं ऐसा डरावना हूँ क्या? आप ऐसी हैं जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ डॉगी मर गया है, मैं उसे दफनाने के लिए आया हूँ। आई एम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिसर। अरे तो पहले बताना था ना, कुत्ता आखिरी सांसें ले रहा था, फिर बेचारा मर गया। अरे बेचारा, बच्चों के रहने की जगह है, इसलिए आपको आने के लिए कहा था। ये बात है, जल्दी दफना देता हूँ, तैयार होकर आया हूँ। अच्छी तरह से रो। मैडम, हमारे कंट्रोल में आने वाले ताराचिक फॉरेस्ट एरिया में जिन्हें मारा गया उन लड़कियों की रिपोर्ट। ये लड़की है अनीता, उम्र है 20 साल, मॉडलिंग कॉलेज स्टूडेंट। पिछले महीने 17 तारीख को उसे बेरहमी से मारा गया। इसका नाम है रेशमा, ये नागरकोई से है। इसे भी ठीक उसी एरिया में मारा गया था। इसका नाम है भावना, इसे भी उसी जगह 4 तारीख को मारा गया था। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। मैडम, मैंने आज तक इस तरह का मर्डर नहीं देखा था। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी क्या? Yes, sir. इन बॉडीज के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब कातिल जो भी है वो इन लड़कियों के शरीर से नहीं खेलता बल्कि जान से खेलता है। वाई डैमिट, वाई डिस्टर्ब, वेरी डिस्टर्बिंग। सब मर्डर एक ही तरह से हुए हैं, सभी लड़कियां जवान ही हैं। उनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है उन लोगों को कि उनके बच्चे मार दिए गए हैं या लापता है। मैडम, ये डॉक्टर की दी हुई लास्ट रिपोर्ट है। मैडम, कातिल बहुत शातिर है, उसने सभी लड़कियों का केवल हार्ट रिमूव किया है। इसलिए ये केस बहुत ही विचित्र है। मैडम, मैडम आपका फोन है। मैडम हेलो। किस्मत, किस्मत के साथ खेलने वाला निरल पेशराया, डर लगा क्या? डर होना चाहिए, एक और जान जाने वाली है, हो सके तो बचा लेना। क्या बोल रहा है? हेलो। अगर लड़की राजी हुई तो मैं उसे बिना दर्द के मौत दूंगा, अगर राजी नहीं हुई तो दर्दनाक मौत दूंगा। गेम स्टार, गेम खेलना है ना। कौन है मैडम? हेलो हेलो शिवम। हाँ? गाड़ी निकालो। ओके मैडम। बोलिए मैडम। 10:20 पर मेरे मोबाइल पर एक नंबर आया है, उसकी लोकेशन क्या है सब कुछ तुरंत मुझे इमीडिएटली ट्रेस आउट करके मुझे बताओ। ओके मैडम, मैं तब तक लाइन पर हूँ। मैडम वो ताराचिक फॉरेस्ट है। क्या कहा? ताराचिक? आप एक काम कीजिए, वो लाइन कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रही है और किधर से होते हुए जा रही है सब कुछ इमीडिएटली तुम ट्रेस करते रहो। ओके मैडम। कहाँ? सिर्फ 100 मीटर ही है, जल्दी लेकर चलो। लेफ्ट है या राइट है? स्ट्रेट है क्या? ओके स्ट्रेट।
यही वो जगह है। ओके यही रोको। शिवम पास। हाँ। इधर से आवाज आ रही है मैडम। शिवम ये पकड़ो जरा। मैडम मैडम हाँ? उधर देखिए मैडम। मैडम लगता है अभी खून करके भागा है। ये देखिए मैडम बहुत बुरी तरह से मारा है। मैडम खून अभी तक सूखा नहीं है मैडम। इसका मतलब वो आसपास कहीं होना चाहिए। हाँ तुम्हारे पापा का फोन हाँ। आया था यहाँ साइन करो। ओके मैम। ऊपर जाओ। ओके मैम। हे हाय। हे हाय। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ये वार्डन मिलिट्री से रिटायर है क्या? बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अरे यार वो तो एक नंबर की डमी पीस है। तुम उसे अच्छे से जान गए तो कॉमेडी कैरेक्टर लगेगी। हाय। Oh my God! Hi! 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 How are you? Hi, baby! और तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? काफी बोरिंग है। तुम लोगों की वजह से मेरे पापा से बोलकर हाँ करवाई। हे, हम पांचों भले ही अलग जगह से हैं, लेकिन है तो आखिर क्लास में। फिर तुम बताओ तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए बुला लिया। मित्रा इधर चारों तरफ जंगल है, रात होते ही एकदम सरप्राइज साउंड आती है, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी देखना है। कहाँ है? उधर है। उधर है। कितना ग्रीन है ना? हाँ वही तो। सुपर है ये तो। और बताओ और क्या स्पेशल है? ए कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं रेडी होती हूँ, तुम भी आ जाओ। ए आज कोई भी कॉलेज नहीं जाएगा, तुम सबको एक सुपर पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी? ओके ओके ओके। कबीर पार्टी रखने वाला है, एकदम कमाल की पार्टी, हम सब चलेंगे ना? कौन सी पार्टी? भूल गए क्या? आज मेरा बर्थडे है। भूल गए? थैंक यू थैंक यू। चलो अब हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ठीक है? चलो। चलो। नहीं नहीं क्यों नहीं आने के लिए बोला था? हाय हाय हाय। हे अच्छा सरप्राइज था देखो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अरे सामने तो आओ। थैंक यू कबीर। थैंक यू।
हे कबीर, चलो केक काटते हैं। चलो। क्या कबीर, पार्टी यहीं तक थी क्या? पार्टी तो अभी पूरी तरह से बाकी है, उधर देखो। सुनो, नहीं हो क्या? क्लास के टाइम में फोन अटेंड मत करना बेटा, ओके? जाओ 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 सर, जाओ। उस दिन बोली थी ना, उसी के बारे में ना? सही में उस दिन बोले था ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ सभी लोग बहुत खुश लग रहे हैं। एक खुशखबरी मैं भी तुम सबको बताने जा रहा हूँ। खुशखबरी? क्या है सर? अपने कॉलेज ने एक मलेशियन कंपनी के साथ टाई अप किया है। वाह! मॉडलिंग बोला जाए तो फैशन का विषय नहीं है, वो एक तरह से आर्ट होती है, उसे निखारना पड़ता है। उस मलेशियन कंपनी के साथ टाई अप होने के बाद उन्होंने किसको सिलेक्ट किया पता है क्या तुम लोगों को? नहीं, नहीं, नहीं पता है सर। तो गेस करो कौन हो सकता है? कौन? तुझे है? पता है क्या? लक्ष्मी एंड रम्या। कल तुम दोनों मेरे टेस्टिंग शूटिंग रूम में आ जाना है, ठीक है? सर, सर, उन लोगों का टेस्ट होने के बाद उन्हें उनका शूट हमें दिखाएंगे? जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि उसे देखकर तुम लोगों को भी परफॉर्मेंस की सीख मिलेगी, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये लोग क्या करेंगे वो तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। सर, शूट की लोकेशन कहाँ पर है? अभी कुछ तय नहीं किया है, लेकिन लोकेशन हम बाहर ही रखेंगे, समझ गई? इंटरेस्टिंग। लोकेशन जंगल भी हो सकती है या ऊटी भी चलेगा, कैसी भी जगह हो सकती है। एंड यू विल बी एंजॉयिंग द प्रोजेक्ट। एंजॉय गर्ल्स, एंजॉय योर डेज। आई एम लीविंग नाउ, बाय बाय गर्ल्स। टुमारो यू बोथ, हां? कंग्रेट्स। ओके ओके सर। टुडे ओके सर, बाय। अपने प्रोफेसर एकदम स्टाइलिश है ना, वो जिस तरह से क्लास लेते हैं ना, उनका तरीका ही अलग है यार। भले ही उनकी उम्र हो गई हो, लेकिन उनका जो क्लास अटेंड करने का स्टाइल एकदम सुपर है ना। हाँ सही। क्या यार, उनके लिए ऐसी बातें क्यों कर रही है? हम तीनों लड़कियों के ऑलरेडी लवर्स है यार, अगर वो तुझे अच्छे लगते हैं तो हम लोग सर से बात करते हैं। हे रेखा खड़ी है यार, हे तू अकेले क्यों खड़ी है यहाँ पर? हाय हाय, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लोग कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। मैंने कहा था ना, वो लोग इधर ही हैं। वार्डन बाहर गई हुई है, कुछ जरूरत रहा तो मुझे इन्फॉर्म करना। क्या दोनों लोग मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हो? थैंक्स। आज के बाद टीवी में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, जहां भी देखो सिर्फ तुम्हारी फोटोज होंगे। सिर्फ फोटोज ही रहेंगे यार, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे। हे, मैंने मजाक में क्या बात बोल दी, तुम लोग तो इतने सीरियस हो गए। कल के फोटोशूट के लिए रिएक्शन दो बॉस। मजाक मत करना, तुझे पता भी है कितने लोग लापता हुए हैं? इस कॉलेज का अच्छा नाम होने वाला है, और तुम लोगों की जिद की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर तुम लोग मुझे इस तरह से डराओगी? अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, आज के बाद सब लोग मुझसे बताओगे। सो यू जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगी। ओके ओके, ठीक है मित्रा। तुम बोल रही हो तो हम लोग मॉडलिंग शूट करेंगे। अब तुम दोनों लड़कियाँ गुड गर्ल्स बन जाओ। सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास इडली है, ये लो।
हाँ चलो 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 जल्दी करो, आ जाओ, चलो आओ आओ आओ, चलो चलो। ए रुको रुको रुको, गाड़ी साइड में लो, साइड में लो गाड़ी। रुको रुको रुको, लाइसेंस पेपर दिखाओ। ये लीजिए सर। हाँ मैडम के पास जाओ। तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास में है मैडम। ये लो जाओ। थैंक यू मैडम। हेलो, इंस्पेक्टर तारिक ही बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? आप तो अच्छी ही होंगी। एक हिट गाने की एक लिरिक्स है, तुम ढूंढते ही रहना, मैं खून करता रहूंगा। अगर तुम राजी हुई तो मैं बिना दर्द के मौत दूंगा, अगर नहीं तो बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। हेलो, तुम बहुत खूबसूरत इंस्पेक्टर हो सके तो मेरा पता लगा लो। हेलो हेलो, कौन हो तुम? कहाँ हो? हेलो, तुम जहाँ भी ढूंढोगी मैं नहीं मिलने वाला, मैं एक परछाई बोल रहा हूँ। हेलो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। कौन हो तुम? हेलो। हाँ सेल्वम, मैं शुभम बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम जिस नंबर से फोन आया था उसकी लोकेशन क्या है जरा देख कर बताओ। उस नंबर का लास्ट लोकेशन डीएनए बस स्टैंड के पास दिखा रहा है सर। हाँ? लेकिन अभी वो फोन नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है सर। नॉट रीचेबल? हाँ सर, अगर आप नेशनल हाईवे से जाएंगे तो टारगेट तक पहुँच जाएंगे। हम लोग उसी रास्ते पर हैं। ठीक है सर, जल्दी लेकर चलो। जरा जल्दी जाइए, तुम ट्रेस आउट करते रहो। ओके सर, मैं कॉल कट करता हूँ। ओके। हाँ मैडम। हाँ? फोन की लास्ट लोकेशन डीएनए बस स्टैंड है मैडम। शिट। ओके शिवम, इमीडिएटली डीएनए पुलिस स्टेशन को कॉल कर दो। कौन है? प्यार में पड़ी हुई परी मेरी आंखों के सामने हवा की तरह आई, उसके बाद मुझे कांटे की तरह चुभी। ये सब मैं पसंद करने वाला इंसान नहीं हूं। तूने जो मेरे दिन का हाल किया है, लगता है जैसे तेरी खूबसूरती मुझे रेगिस्तान के तूफान की तरह मार कर चली गई। मेरी सांसें तेरी जान को सूंघ पा रही हैं। जहाँ तुझे दफन करूंगा वो मिट्टी भी तुझे छुप कर देख रही है। तेरे शरीर को चुगने के लिए छोटे छोटे कीड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेरे पास बहुत जल्दी तेरी बेस्ट फ्रेंड भी आएगी। तब तक बिना शोर किए मौत की जर्नी कंटिन्यू होगी। मिलते हैं। कांस्टेबल। हाँ सर। किसका फोन आ रहा है जरा देखो। हाँ देखता हूँ। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर, गाड़ी रोक दी। मेरा तो नहीं है सर। आवाज तो इधर से ही आ रही है। हे कांस्टेबल सर, जरा उतर कर देखो। ठीक है सर। सर यहाँ पर एक फोन पड़ा है। अभी आता हूँ, इधर लाओ। हेलो हेलो। एक औरत को इज्जत नहीं देगा हा? तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, याद रखना। बदतमीजी करेगा तू। सर क्या है रे? मैडम ने इस केस की फाइल आपको देने के लिए बोला था। हाँ हाँ देखता हूँ, जाओ आप घर जाइए, मैं फाइल देखता हूँ फिर कॉल करूंगा। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चला मैडम। तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है पता है क्या? पता नहीं मैडम। आपके हॉस्टल में रहने वाली श्वेता नाम की लड़की का कत्ल हुआ है। आखिरी बार उस लड़की के फोन पर तुमने ही कॉल किया था। वो लड़की जहाँ भी रहती थी 10 बजे तक आ जाती थी मैडम। उस दिन 10 बजे के बाद भी नहीं लौटी तो मैंने कॉल किया। वो जो मर्डर केस है उस पर अभी इंक्वायरी चल रही है, उस लड़की के बारे में तुम्हें क्या पता है? उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता मैडम। शिवम। मैडम। इसकी डिटेल्स कलेक्ट करो। ओके मैडम। मैडम सर आ गए। मैडम मैडम अभी तक के एक्सपीरियंस में आज तक मैंने इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है, यहाँ तक कि कभी सुनी भी नहीं है। कत्ल करने वाला कोई इंसान है या फिर जानवर है मैं बता नहीं पा रहा। अभी तक उसने पता नहीं कितने ऐसे कत्ल किए होंगे का अंदाजा नहीं है। बाय द वे 1 मिनट, ये उस विक्टिम की बॉडी से मिला है, मेरे ख्याल से ये आपके किसी काम का हो।
वन थिंग इज श्योर मैडम, ये केस हर हाल में आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बनकर रहेगा, मुझे यही लगता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। शिवम तुम गाड़ी निकालो। कबीर, इतनी बारिश में मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। हम हमेशा की तरह आज मिल सकते हैं क्या? अभी तो नाइट है। तुम अभी बिल्कुल मूड में होगे, मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है। गार्डन वाले रास्ते में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? हाँ? Hey! मित्रा, कम मेरे पास दो। अरे मुझे मुझे दो। कम ऑन। हाँ वेरी नाइस, मुझे दे। पास कर, पास कर, पास कर। मित्रा, एक प्रोडक्ट मॉडलिंग के लिए ऑफर आया था, उसमें मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। मैं? हाँ, रेडी रहना, ठीक है? मैं तुम्हें बुलाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय। ओके सर। ओके बाय। एक मिनट तो वो क्या बोल रहे थे मुझे समझ ही नहीं आया। पता है क्या, क्यों अचानक से उन्होंने मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए मुझे सेलेक्ट कर लिया। मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई थी। हे, उनकी निकाली हुई हर एक फोटो ना, वाओ, एकदम कमाल की होती है। फर्स्ट टाइम तो हम लोगों के अंदर डर था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। हे, पबजी गेम अपडेट करो यार, उसमें जो ज़ॉम्बी आते हैं ना, बड़ा बड़ा मजा आता है। तवे से मारो या गन से मारो, उस गेम के अलावा मुझे सारे गेम बोरिंग लगने लगे हैं। मैडम का हीरो के ऊपर मूड आ गया है ऐसा लग रहा है। अरे छोड़ो भी, ये फोन भी नहीं उठा रहा। ए, ए, कौन है तू? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है तू? ए, कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, बोलता क्यों नहीं है? दर्द है, सीने में दर्द है, इधर सो रहा है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ। ए, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है, कुछ भी बके जा रहा है। ए, चलो। ए, कौन है रे तू? ए, मैं मर्दों को नहीं मारता। ए, ये वो जगह है जहां मेरी परियां प्यार से आपस में बात करती हैं,
इस घने जंगल में उनकी चीखें गूंजती हैं, जिसे सुनकर मुझे चैन मिलता है। मेरा इस जगह से दिल का नाता है, मेरे दिल को बहुत ज्यादा चैन मिलता है। क्या हुआ? सर, वो मार कर भाग गया सर। हे, इधर देखना। हे, बोला ना मुझे मत ढूंढ। मैडम, ऐसा इंसान पहली बार देखा है मैडम। जब वो चल रहा था तो लग रहा था जैसे कोई जानवर चल रहा है। मुझे लगता है कि सारे कत्ल उसी ने किए होंगे मैडम। उसके हाथ में फरसा था मैडम, और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। मैडम, मुझे लगता है वो किसी चीज से इफेक्ट हुआ है मैडम। उसका हर बार बहुत भयानक होता है, वो सोचकर ही बहुत डर लगता है मैडम। मैडम, अगर मैं चाहता तो उसे मार डालता। वो अच्छा इंसान है या बुरा मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक साइको जैसा लग रहा था मैडम। मुझे कोई बड़ी घटना होने का आभास लग रहा है मैडम। किसी ने उसका चेहरा देखा था क्या? नहीं मैडम। मैडम, उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, इसलिए हम देख नहीं पाए मैडम। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है तो अरेंज कर लेंगे। यस मैडम। इट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, वी हैव टू कैच अ जोन। अंडरस्टूड? यस मैडम। घने जंगल में जो मिलता नहीं वो फूल यहाँ सो रही है। इसमें से मैं किसे चुनूं? सारी की सारी खूबसूरत परियां हैं। मैं जो ढूंढ रहा था वो थी एक ऐसी ही शांत सी नींद। मैंने जब छूकर तुम्हें देखना चाहा तो तुमने मुझे परमिशन नहीं दी। जिंदा रहने से बेहतर तुम्हारा मरना ठीक है। आजकल ना मित्रा समझ में नहीं आ रही है, जब भी देखो तो अपसेट रहती है। सही कहा, रात भर ना सोती भी नहीं है वो ढंग से। वो कॉइन, वो उसके चेहरे पर फ्रेशनेस भी नहीं है। यस, नेक्स्ट टाइम डालती हूँ। मुझे लगता है कि उसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है। अचानक से डर जाती है, फिर अचानक चिल्लाने लगती है। पता नहीं किस बात का डर है उसे। पता नहीं यार। कुछ तो जरूर है। बोलो तो कादिर से बात करें क्या? मेरे ख्याल से उसे ना कोई और प्रॉब्लम है। क्या यार, तुझे वो डालना चाहिए था। हे मेरा डर है, हे मेरा डर है। टेंशन से दिमाग खराब हो रहा है। अरे खेलो। बट जब मैंने उसको कॉल किया था ना, तो नॉट रीचेबल बुला रहा था। अगर तुम राजी हुई तो मैं बिना दर्द के मौत दूंगा, अगर राजी नहीं हुई तो दर्दनाक मौत दूंगा। डिस्टर्बिंग,
वेरी डिस्टर्बिंग। कातिल कोई इंसान है या जानवर है यह मैं क्लियरली बता नहीं सकता। उसके हाथ में फरसा था मैडम। उसका हर वार भयानक था। उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था मैडम। शिवम को तुरंत आने के लिए बोलो। मैं आई कम इन मैडम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैडम। बैठ जाओ। थैंक यू मैडम। मैडम अभी अभी जो डेड बॉडी मिली है मॉडलिंग कॉलेज स्टूडेंट्स की है। सारी लड़कियां वही हैं, मदी लेडीज हॉस्टल। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है मैडम। जंगल के बीच की जगह में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। उधर वार्डन से मिलने के लिए बाहर से कोई कार आया करती है और लड़कियां मौका देखकर रात को बाहर जाती हैं, ऐसा रिपोर्ट में आया है। ओके, हमें उस हॉस्टल को मुझे अभी देखना है। उस वार्डन से तो पूछताछ हो चुकी है। हाँ मैडम। गाड़ी निकालो। ओके मैडम। यस मैडम। गेट बंद कर दो। ओके मैडम। आप लोग भी जाइए। तुम उधर जाओ। यस चलो शिवम। हे इधर क्या हो रहा है? पुलिस आई हुई है, वो वार्डन से मिलने जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। आपने बुलाया होता तो मैं खुद ही आ जाती। उन दोनों लड़कियों के रूम कहाँ पर है? ऊपर है मैडम। चलो शिवम। मैडम हाँ मरने वाली लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? यहाँ कौन कौन आते जाते हैं? ऐसे तो कोई नहीं आता यहाँ मैडम। जब वो लड़की लापता हुई थी तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हॉस्टल को चलाने वाला कौन है? बोलो कौन है जो इस हॉस्टल को चलाता है? उससे उठाएंगे तभी सच्चाई बाहर आएगी। इस हॉस्टल को चलाने वाले प्रोफेसर सगा जी है मैडम। वो कभी कभार इस हॉस्टल में आते जाते हैं मैडम, लेकिन वो अच्छे इंसान है मैडम। मेरी परमिशन के बगैर किसी को अंदर आने मत देना, समझी? ठीक है मैडम। शिवम। मैडम हॉस्टल के चारों तरफ जो भी फॉरेस्ट है इमीडिएटली सारी जगह अच्छी तरह चेक करो। ओके मैडम।
मैडम हम लोग हॉस्टल के जंगल में ही हैं। आपने जो अनुमान लगाया था बिल्कुल सही है। Excuse me, sir. Can I come in? Tarigi, please take your seat. Hi, professor. Hi. Tarigi, आज तक हमारे कॉलेज में कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं आया. This is the first time when police seeping into our college. बड़ी सोचने वाली बात है. बताइए क्या बात है? मैं आपसे एक पुलिस बनकर मिलने नहीं आई हूँ. सिर्फ छोटा सा वेरिफिकेशन है. आपके कॉलेज हॉस्टल में रहने वाली दो लड़कियों का कत्ल हुआ है ऐसा इंक्वायरी में पता चला है. इसके बारे में आपको कुछ पता है? रजिस्टर में ही व्यस्त रहता हूँ, इन टाइम आउट टाइम. उसके बाद क्या चल रहा है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता. सगा सर का नाम लिया जाए तो उनका सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, लेकिन आप इस तरह जवाब देंगे तो कैसे चलेगा सर? 35 साल से मैं इस कॉलेज को चला रहा हूँ. आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट हुई हो या केस फाइल किया गया हो? आप कातिल का पता लगाइए, उसे सजा दीजिए, हो सके तो फांसी पर भी लटका दीजिए, एनकाउंटर कीजिए. व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम? तारिगी प्लीज यू मे गो नाउ. अपराधी अभी भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूंगी. बेटर लक. तारिगी तू मुझसे मिलकर जा रही है ना, आज तेरा आखिरी दिन है. अब तू मेरे टारगेट में फिक्स हो चुकी है, माय लवली बेबी.
यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। हेलो हेलो तारिकी, मैं तारिकी बोल रही हूँ। तुम हो इस कहानी का इंटरवल। बिना शोर किए मौत की जर्नी कंटिन्यू होगी। द जर्नी ऑफ वाइल्ड लाइफ विल कंटिन्यू। मैडम, तारिका मैडम जहाँ भी जाती थी किसी के साथ जाती थी। आखिरी बार वो लोग कहाँ गए पता नहीं मैडम। अच्छा, इस घटना की वजह से डीएनए में एक एसएस और 3 PCA बेवजह सस्पेंड हो गए। घटना जहाँ हुई उस हॉस्टल में ले चलो, उधर ही गाड़ी घुमाओ। ओके मैडम। अभी तक 13 लड़कियाँ थी, आखिर में 2 लड़कियाँ और सेक्स टॉर्चर भी हुआ है। उनके कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है? आगे चल के पता नहीं और कितने मर्डर्स होंगे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पता नहीं हम उसे किस तरह से ट्रेस आउट करेंगे। डीएनए डिस्ट्रिक्ट में होने वाली सबसे बड़ी घटना यही है। डिपार्टमेंट के आगे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। चाहे जो भी हो जाए, उसे अरेस्ट किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब तक जितनी लड़कियों का मर्डर हुआ है उनकी रिपोर्ट फाइल कहाँ पर है वेंकटेश? मैडम, सारी फाइल्स तारिका मैडम के पर्सनल लॉकर में है मैडम। उनमें से सारी डिटेल्स मुझे पढ़नी होगी, इमीडिएटली लेकर आओ। ओके मैडम। जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है उनके पेरेंट्स नाक में दम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को तकलीफ हो रही है। पूरी प्रेस मीडिया इस केस को कवर कर रही है। सो उसका अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। कहाँ पर छुपा बैठा है तू? मैंने तुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी है। तू भी खूबसूरत है। अब मेरे टारगेट में नया मेहमान बनकर तू भी आ चुकी है। हेलो। वेलकम संधमारा पांडियन। हेलो, कैसी हो? परछाई बात कर रहा हूँ, शांति से बात कर रहा हूँ। सामने रखा हुआ फूड सैलेड तुम्हारी डाइट में शामिल है। तुम अभी ऑफिस में हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं ऑफिस में हूँ, ये तुझे कैसे पता चला? हर एक मोमेंट को मैं नोटिस कर रहा हूँ संगमारा पांडियन। प्यास लगी है क्या? कूल वाटर? एकदम चिल्ड है क्या? तू यही आसपास से कहीं से मुझे देख रहा है ना? अगर मेरी आंखों के सामने आया ना, देखते ही मार डालूंगी तुझे। यह आवाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है संगमारा पांडियन। मुझे ढूंढ रही हो क्या? तेरे टेबल पर रखी गन मिसिंग है। मुझे तुम्हारे साथ खेल खेलना है। तुम खूबसूरत हो। मुझसे मिलने की तमन्ना हो रही है ना? कौन है तू? 23 कत्लों में तुम लोगों ने 10 कत्ल मिस कर दिए हैं पांडियन। तुम मुझे ढूंढते रहना और मैं जिंदगी लेता रहूंगा। अगर लड़की राजी हुई तो बिना दर्द के मौत दूंगा, और राजी नहीं हुई तो दर्दनाक मौत दूंगा। तुम बोलो संगमारा, किस तरह की मौत चाहती हो? तुम्हारी मुझसे मिलने की बहुत इच्छा है ना? जिस दिन तुम मुझे देखोगी वो दिन तुम्हारे लिए डेथ डे होगा। ए, कौन है? जिसका चेहरा सामने नहीं आता वो अनजान हूँ मैं। टारगी तो याद होगी ना, मेरी अगली टारगेट तुम हो संगमारा पांडियन। वाह, माय एंजल। मित्रा, कितनी खूबसूरत दिख रही हो। लेट मी ट्राई। मित्रा। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर? उम्र हो गई है ना,
इसलिए बीपी, शुगर ये सब रहना आम बात है। टी, कॉफी, वाटर मैं लेकर आती हूँ सर। मित्रा, तुम्हें फिर से देखने के लिए मेरा हार्ट मचल रहा है। वापस तुम्हें देखना चाहता हूँ। इंतजार नहीं हो पा रहा, इसलिए तुम्हें मैंने आने के लिए बोला। मित्रा, खूबसूरत हो तुम। कुछ समझ नहीं आया। ओ मित्रा, तुम बहुत खूबसूरत हो। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं फोटोशूट के लिए टाइम पर आती हूँ। मित्रा, मेरा हार्ट फिक्स कर दिया तुमने। मित्रा, यू आर सपोज टू बी विद मी लाइफ लॉन्ग। कबीर, बाइक स्टार्ट हुई क्या? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे मैं ट्राई कर रहा हूं। अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। मुझे क्या करने को बोल रही हो? एक दिन तो संभाल लो ना। एक मिनट रुको, मैं कॉल करती हूँ। हाय मित्रा। हाय सर। व्हाट हैपेंड? बाइक ब्रेक डाउन हो गई सर, बाकी कुछ नहीं। कहाँ जाना है? हॉस्टल ही जा रही हूँ सर। मदी हॉस्टल? हाँ हाँ। एक्चुअली आई एम गोइंग ऑन द वे, इफ यू डोंट माइंड आई विल ड्रॉप यू। मित्रा, इट्स ओके सर, थोड़ी देर में बाइक सही हो जाएगी। मैं आ जाऊंगी। हेलो सर। हाय मित्रा, एक्चुअली ना बाइक रेडी होने में टाइम लगेगा, तुम सर के साथ जा सकती हो। आई एम ओके। आर यू कंफर्टेबल? थैंक यू सर, ग्लैड टू मीट यू। ओके ओके, ठीक है, संभल कर जाओ। ओके सर, ये हॉस्टल जाने वाला रास्ता नहीं है सर। गाड़ी रोकिए सर। सर, मैंने जो डायरी लिखी है, नॉवल, उसमें बहुत सारे पन्ने हैं। अगर उन्हें तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें राजी होना ही होगा मित्रा। सर, आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगी। मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मेरी यही डिमांड है कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। इसमें गलत है क्या? गलत को गलत तरीके से करो तो उसमें कुछ गलत नहीं होता मित्रा। सर, मेरा हार्ट कूलिंग जोन में है, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। सर, आपको कॉलेज में ऐसे बिहेव करते नहीं देखा है सर। कबीर आपको नहीं छोड़ेगा। मुझे जो पसंद आता है उसके बीच में आने वाले को मैं छोड़ता नहीं। जिसे पसंद किया वो नहीं मिला तो मेरी रुकावट बनने वाले जितने भी लोग होंगे सबको मार डालूंगा। कादिर को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। गाड़ी रोके सर, मैं चली जाऊंगी। प्लीज सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मित्रा, सच बताता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद। तुम्हारा लक्ष्य सपना नहीं रह जाएगा। तुम जो सोचोगी बन कर दिखाओ, और कल तुम बस फोटो शूट में तो आओगी ना। मैं जरूर आ जाऊंगी सर, प्लीज अभी मुझे छोड़ दीजिए सर। मित्रा, कल तुम जरूर आना। तुम्हारा लक्ष्य सपना बनकर नहीं रहेगा मित्रा। जो भी सोचोगी उसे पूरा करोगी तुम। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मित्रा, तुम जरूर आना, है ना? मैं पक्का आ जाऊंगी सर, बस मैं अभी जा रही हूँ सर, प्लीज। आओगी ना सर? प्लीज, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। हाँ मैं आ जाऊंगी। जाओ जाओ। Cheers! शराब पीना छोड़ो, इसने जो रिएक्शन दिया वो देखो। कौन है, तेरी वाली है क्या? अरे चुप ना। जा जा जा। पिकअप पिकअप। हाय मित्रा। हेलो। हाय बेबी, कहाँ हो अभी? छत पर हूँ। ऐसा क्या? मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर मुझसे बात करोगे? पूछने वाली बात क्या है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मैडम का आज बहुत अच्छा मूड है। कल मेरा इवनिंग में फोटो शूट है, सो इवनिंग में 6:00 मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा। ठीक है, इसलिए सब कुछ मिलाकर अभी बात कर लो, बाद में मूड मत खराब करना।
ए, तू अभी तक सोई नहीं है? कल तेरा फोटोशूट है ना, सोएगी नहीं तो फेस डल रहेगा और शूट भी खराब हो जाएगा। जल्दी से सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। कबीर को बोलूंगी तो वो अपसेट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोफेसर का टॉर्चर सहन नहीं हो पाएगा। कल फोटोशूट के बाद कैसे भी करके मुझे निकल जाना चाहिए। कबीर को बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। एक गुलाब को कांटों के बीच से निकालना हो, ऐसा सुख अंदर से महसूस हो रहा है। आसमान के सारे काले बादल एकजुट हो गए हो और उसके बीच एक किरण आई हो, ऐसा लग रहा है। मॉडल बन जाओगी तो बिजी रहोगी ना? हाँ, हे क्या हुआ? मैं बोलता जा रहा हूँ और तुम खामोश हो। कुछ नहीं। Come on यार, क्या हुआ बोलो। पता नहीं कबीर, थोड़े दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को जानते हो ना, वो संगायम जो उस दिन मिले थे। हाँ, वही। बोलो। जब भी मैं उनके सामने होती हूँ वो मुझे हमेशा टच करने की कोशिश करते हैं। हे, वो बुजुर्ग आदमी है, उनसे तुम्हें क्या खतरा? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मुझे लगा कि ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी वो अचानक से टकरा गई और मैं उनके ऊपर गिर गई और उन्होंने मुझे जान बूझ कर पकड़ लिया। यार वो अचानक हुआ होगा, उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं कबीर, उस दिन कार में भी उन्होंने मुझे कुछ अजीब तरीके से। एक सेकंड, मैं आता हूँ। हेलो हेलो, हेलो मित्रा, अपना व्हाट्सएप ऑन करके देखो, मैंने तुम्हें वीडियो भेजा है, मेरा पसंदीदा वीडियो। वेटिंग। हेलो, ओके बाय। ओके 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 ओके, रखता हूँ। Hey, sorry मित्रा। अच्छा कुछ और खाओगी क्या तुम? और लेट हो रहे हो। क्यों, क्या हुआ? वार्डन चिल्लाएगी। अरे हमें आकर 10 मिनट ही हुए हैं, खाना खाते हैं। चलते हैं, वार्डन चिल्लाएगी और। ओके कूल कूल कूल, चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। चलो यहाँ से चलो। हाँ चलो। कबीर,
अच्छे दिखते हो, लेकिन उसके साथ नहीं रहने का मित्रा सिर्फ मेरी है। मैं उसे इतना चाहता हूँ कि मैं उसे अपने बिना किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर राजी हुई तो बिना दर्द के मौत दूंगा, और नहीं हुई तो दर्दनाक मौत दूंगा। कैसी मौत देखोगे कबीर? ये परछाई सिर्फ लड़कियों के साथ खेलती है। चला जा, जा यहाँ से। तू कोई इंसान है क्या? तुझे ये सब करते शर्म नहीं आती? तू इंसान ही है क्या? तेरी इस गुनाह की तुझे जरूर सजा मिलेगी, तू नहीं बच पाएगा। मानता हूँ मित्रा, उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन मित्रा। कबीर, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। कबीर, कितने मासूम हैं बेचारे यार, बहुत ही भयानक चीज होती है जिसमें दिल धक धक करके धड़कता है, धड़कता ही रहता है। उसमें मित्रा आती जाती रहती है, छोड़ दो। उसकी याद यहाँ से मित्रा आनी नहीं चाहिए। हॉट गेम स्टार्ट नाउ। तो गेम शुरू करें क्या? मित्रा भाग जाओ, मित्रा मित्रा उठो, मित्रा मित्रा। सबसे पहले मैंने इसे अपनी दुनिया माना था, पैसा पैसा पैसा, पैसे का लालच करके उसके साथ चली गई। मैंने जो किया मुझे पता नहीं, दुनिया भले ही मेरे हाथों में है, लेकिन जो चला गया वो वापस मेरे लिए आएगा? नहीं, नहीं आएगा। उसके बाद मुझसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। इस दुनिया में जो चाहा वो होना चाहिए, मुझे जो पसंद है वो मुझे मिलनी चाहिए, और तू भी। इन्हीं हाथों से मैंने उसे खाना खिलाया, इन्हीं हाथों से मैंने उसे सुलाया, उसे तकलीफ होती तो दुनिया मिटाने का मन करता था।
धोखेबाज। मैंने इन्हीं हाथों से उसे मार डाला। हा मैं मजबूर था। मेरे पहले प्यार में जब ये हुआ तो मैंने अपने दूसरे प्यार के वक्त खुद को बदलने के बारे में बहुत सोचा था। मेरे माँ बाप ने कहा था कि ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ दिव्या। क्या मतलब है? तुम अपने माँ बाप के कहने पर लाए हो? तुम अपनी मर्जी से नहीं ला सकते थे? रुको गाड़ी। छे। यार इसके गुस्से को शांत करना होगा। दिव्या दिव्या। हाँ टाटा, मुझसे बात मत करो। अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं कार खरीद कर तुम्हें रानी की तरह हर जगह घुमाना चाहता हूँ दिव्या। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या। पहले तो अपनी खटारा गाड़ी में पेट्रोल डलवा सको, इतना कमाओ, फिर कार का सोचना। दिव्या दिव्या, बहुत जल्दी मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी दिव्या, फिर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा दिव्या। मैं कहीं नहीं जाने वाली। पहले पैसा, उसके बाद तुम जो बोलोगे मैं सुनूंगी। दिव्या, मेरा एक फ्रेंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने नौकरी देने को कहा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगी? मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, बहुत खुश होगा वो। जरूर चलूंगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। सर सर, आप? सर आपको मैं पहचानता हूँ। हाँ। मैं नौकरी के लिए आया हूँ। हाँ। उन्होंने ही बुलाया है। हाँ। उनसे कहिए मेरा नाम सगायम है। हाँ, बोलता हूँ। हाँ। आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है सर। सर, कोई संगायम आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने वेट करने के लिए कहा है। मैं और वो बचपन के दोस्त हैं। उन्हें तुरंत अंदर भेजो। सर हे सगा, कैसा है तू दोस्त? अच्छा हूँ। ठीक है, तुम कैसे हो संजू? मैं भी ठीक हूँ। कितने दिनों के बाद मिला, तुझे देखकर खुशी हुई, बैठ जा। ये कौन है? परिचय नहीं कराएगा क्या? ठीक है, क्या लोगे तुम लोग? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स? वो सब कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी होने वाली बीवी है। ओ, तू ही मेरी शादी का मेन गेस्ट होगा। शादी करेगा? ठीक है, मैं बंदोबस्त करूंगा। अच्छा, तुमने मेरी फैक्ट्री नहीं देखी ना? चलो दिखाता हूं। ओके। तू क्या करेगा? पहले तू कंपनी ज्वाइन कर ले, हर महीने सैलरी 25,000 दूंगा, ठीक है? वो भी टेम्पररी बेसिस पर। उसके बाद मैं तुम्हारा स्टेटस बदल दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स संजू, इतने बिजी शेड्यूल में भी। ये थैंक्स बोलकर मुझे अलग कर रहा है। ए, पहले नंबर नोट करो, बहुत सारी बातें करनी है। नंबर नोट करो। बताइए। 7200। हाँ, 7200। 73। 73। 000। 000। 0। ओके। ओके ओके। लास्ट जीरो है ना? ओके। ठीक है। ओके। ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक्स संजू। मैं आता हूँ। सका, मैं तुझे अपने पास रखने के लिए सोच रहा हूँ। ये सब किसके लिए? सिर्फ इसके लिए। हेलो। हेलो संजू, मैं दिव्या बोल रही हूँ। वाओ, आई एम सो लकी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आई विल वेटिंग। ठीक है, एड्रेस बताता हूँ, नोट कर लो। थैंक्स, सर से मिलना है। तुम्हें क्या चाहिए? आप चाहिए। स्वीट पसंद करने वाले इंसान को अगर स्वीट ही खिला दोगी तो कौन मना करने वाला है? मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात हमेशा याद रहनी चाहिए, इसीलिए एक छोटी सी गिफ्ट, वही जो मुझसे हो सका वही मैं लेकर आया हूँ। सिर्फ 1,00,000 रुपए।
रख लो, जो लेना होगा ले लेना, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, एनीथिंग प्लीज। आइए सर। कैसे हैं आप? आपको देखे अच्छा काफी दिन हो गए। कुछ नहीं, एक नया पीस आया है उसी में सर बिजी हैं। आप जाइए सर। ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूं। नौकरी मिल गई है, अब दिव्या खुश हो जाएगी। बहुत जल्दी उससे शादी कर लूंगा, फिर खुशी से जिंदगी शुरू करूंगा। और कितना देर लगाएगा, अभी तक इसका कुछ पता नहीं, क्या करता रहता है ये। विश्वास करते हैं वही लोग अपने प्यार को उससे मिलवाते हैं, लेकिन तूने पैसे का लालच देकर उसका मन बदल दिया। तू जब मरेगा तो क्या पैसा साथ लेकर जाएगा? नहीं जाएगा ना, इसलिए मर तू, मर जा। मेरे पास जो नहीं है ऐसा उसके पास क्या था? तू पैसे के लिए ही उसके पास गई ना, है? अब वो पैसा तेरे साथ जाएगा क्या? इस समय ये कौन है और यहाँ कैसे? सागा, तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसा? कहीं किसी के साथ लड़ाई की थी क्या? मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ। क्या सगा, मैं बातें किए जा रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे तुम चाहिए, पूरी तरह से मेरी बनोगी क्या? है जितने में तुम्हारा मन भर सके मुझे अपना लो। छोड़ो, ए सगा, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। दर्द होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, उसे धोखा देना चाहिए। उसने भी मुझे इसी तरह धोखा दिया। क्यों? मुझे छोड़ दो। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। Oh!
मुझे छोड़ दो। नहीं, प्लीज सागा। नहीं सागा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे छोड़ दो। उसने भी मुझसे ऐसे ही कहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। झूठा प्यार, धोखेबाज प्यार, ऐसे को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुझे मेरे साथ रहना है क्या? मतलब अपना दिल, अपना दिल, अपना दिल मुझे दे दे, दे दे, दे दे। सोच क्या रही है, सोच क्या रही है? दे दिया ना धोखा, धोखा दिया ना, मतलब अब तो मर जाओ। खून एकदम गरम है, धोखे का दर्द मौत। प्यार करके उसे भूल जाना, साथ में बिताया हुआ पल भूल जाना। इस दुनिया में हर चीज भूलने के लिए मेरे दिल में जगह है। प्यार 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 भूलने के लिए ये दिल गवारा नहीं करता है। एक दिन जन्म की खुशी और एक दिन मरने का गम। हर दिन हर दिन हर दिन खाने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, जीने नहीं दिया। ऐसा तड़पाने वाला प्यार और धोखेबाज को क्या कोई दिल से भुला सकता है, सहन कर सकता है, कर सकता है क्या? पैसा पैसा, इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही फैसला करता है। जन्म से मृत्यु तक का फैसला करने वाला ये पैसा हमें कहां लेकर जाएगा पता नहीं। लेकिन इस चक्कर में सबने मुझे धोखा दिया, जिस पर विश्वास किया सबने धोखा दिया। दिव्या भी मुझे अभी धोखा देकर चली गई। सबका फैसला करने वाले इस पैसे को कैसे भी करके मुझे कमाना है, कमाना ही है, कमाना ही है। कमाने का रास्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा कमा कमा कर आज के बाद दुनिया में अपनी गिनती करोड़पति लोगों में करवाऊंगा। ये सगायम पेड़ नेकर के लिए प्यार, मोहब्बत, भरोसा, उम्मीद सब झूठ है। इस झूठी दुनिया में ये सगा करोड़पति बनकर जीने वाला है। पहले उसने मुझे धोखा दिया, दूसरा इसने धोखा दिया, ये दिल कितनी धोखेबाजी सहन करेगा? ऐसे धोखेबाजों के लिए जो फैसला करता हूँ वो सीधी मौत है। अपने साथ रहने वालों को प्यार करो और उन पर अपनी दुनिया लुटाओ, ये सबको पसंद है। उन्हें प्यार के पीछे अपना मतलब देखना होता है, हाँ? मेरा टारगेट तुम ही हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज। मेरी पसंद हार्ट है, तेरा हार्ट मेरे पास रहेगा तो मैं जो बोलूंगा वो सब कुछ सुनेगा। अपना हार्ट मुझे दे दो, दे दो। अगर खुद से हार्ट दोगी तो आराम से मरोगी, लेकिन अगर मैंने निकाला तो भयानक मौत होगी। मित्रा, 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 मित्रा,
चित्रा चित्रा मित्रा 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 कबीर कबीर मित्रा 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 तुम ठीक हो ना कबीर तो ना ले चलो ले चलो आराम से चलो 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 कबीर गाड़ी रोकना जरा कौन है ये लोग जो जंगल के रास्ते से आ रहे हैं रुको 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 हाँ हाँ ठीक है ठीक है क्या हुआ डरी हुई क्यों हो मैडम वो मुझे जंगल में ले गया था देखने में बहुत भयानक लगता है बहुत बड़ा बहुत एक देखिए कितनी बुरी तरीके से मुझे मारा है एकदम एकदम जानवरों की तरह मुझे मार रहा था मेरी छत कर में मैम ये आपको कहाँ से मिला ये हमारे प्रोफेसर का ही है क्या कह रही हो प्रोफेसर का है मतलब इन सब हत्याओं के पीछे प्रोफेसर संगायम है हाँ मैम मैंने उस दिन कहा था ना तुम्हें शिट ठीक है प्रोफेसर संगायम अब कहाँ पर है मतलब लेडीज हॉस्टल तारा चेक फॉरेस्ट के पास में उधर तिरंगी मैम भी लॉस्ट टाइम उसी के पास थी अगर सही वक्त पर एक्शन ले लिया होता तो शायद इतना कुछ नहीं होता मैम इतना कुछ नहीं होता मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था मैं क्या करूं मैडम तारकी मैडम को मारने वाला जरूर वही होगा मैडम मुझे ऐसा लगता है कि वो मित्रा को ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा जरूर मैम जरूर ठीक है एक काम करो तुम्हारी फ्रेंड्स अगर कॉल करे तो तुरंत मुझे बताना okay, समझ गई ना और मेरी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता ओके मैम गाड़ी निकालो थैंक यू मैम यहाँ यहीं पर लक्ष्मी लक्ष्मी रेखा मंजू लक्ष्मी 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 भूमा अंजू मंजू भूमा लक्ष्मी लक्ष्मी रेखा मंजू लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ हो तुम लोग लक्ष्मी संभाल कर चलो मित्रा लक्ष्मी फोन की आवाज सुनाई दे रही चलो, है चलो, चलो। ये किसका फोन है ए, ये मंजू का फोन है जल्दी आओ हे यार ये तो लक्ष्मी की चप्पल है हे इस वॉच को तो रेखा ने पहना था हाँ ये रेखा का ही है रेखा की है ये तो भूमा की टी-शर्ट है इसमें खून लगा है यार दिखा दो हाँ यार मुझे दिखाओ ये उमा की हाँ, है ना भूमा की ही टी-शर्ट है भूमा भूमा लास्ट टाइम इसे मैंने भूमा को पहने देखा था
मैडम ये मिस हुई गन है। ये तो मेरे टेबल से मिस हुआ था ना, यहाँ पे कैसे आई? मतलब वो साइको यही कहीं आसपास ही छुपा है। हेलो मैडम, वो हमारे दोस्तों को मारकर भाग गया मैडम। कहाँ कहाँ हो तुम, बोलो। हम लोग इधर पुराने हॉस्पिटल के पीछे जंगल में है मैडम। तुम सब लोग सेफ तो हो ना? मित्रा को लेकर चला गया मैडम। आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए मैडम। वो साइको यही कहीं पर है, तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत मुझे कॉल करना। आ जाओ संधवारा पांडियन, मैं याद हूँ क्या? परछाई को सामने देख रही हो, मैंने जिसे चुना है वो परी मेरे सामने पड़ी है। अगर उसे बचाने की कोशिश की तो तुम भी मेरी परी बन जाओगी। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। गुस्से में और खूबसूरत लग रही हो। गलतियों पर गलतियां कर जा रहे हो। हाँ। छोड़ दो उसे। छोड़ने की परमिशन नहीं दे रहा मेरा दिल।
कैसे छोड़ दूं? बोलो ना संदमारा पांडियन, उसके हार्ट पर मेरा हक है, जिसे निकालने के बाद मैं उसे तेरे पास भिजवाता हूँ। चली जाना, खुशी से लेकर जाना, जाओ लेकर। न जाने कितने ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हो तुम, और इस तरह की गलती कर रहे हो। अगर किसी एक ने गलत किया है तो सबको गलत क्यों समझ रहे हो? सरेंडर कर दो मुझे, शायद बच जाओगे तुम। जिंदगी जीने की चाह तो मैं कब का खो चुका हूँ। अब जब मेरा अंत मेरे सामने है, हैं? तो मैं किसी बात से भला डरने वाला हूँ क्या? पहले मैं इसे मारूंगा, उसके बाद मैं तुझे मारूंगा। नहीं। मैडम कहाँ गया? शिट, अरे